नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको सतपुड़े खाने का एक अलग तरीका। सतपुड़ा जेली के साथ इसे ठंडा सर्व करते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाया मैंने। तो उसके लिए आप एक गंज ले लीजिए इस तरह, और गंज में डाल दीजिए ये सतपुड़ा, और डाल दीजिए आप इसमें दूध। इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ये हमारे दादाजी को बहुत पसंद था। तो करीब करीब भर ही दीजिए दूध से, ताकि सतपुड़ा डूब जाए। अब डाल दीजिए शक्कर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। इसको हम थोड़ी देर गरम करके गैस पे, और फिर इसको बनाएंगे। चलिए जेली बनाते हैं। इसके लिए हम ये वेकफील्ड का जेली, क्रिस्टल जेली है, ये ले लेंगे, और इसको हम खोल लेंगे। ऐसे सीजर की सहायता से हम इसको खोल लेंगे। अब इसके अंदर हमें दो पैकेट मिलेंगे, एक इस तरह का और एक पाउडर मिलेगा। इसको हम पलटा देंगे। और इसमें ही हम ये वाले पैकेट को भी खोल के इसको पलटा देंगे। अब ये दोनों जो हैं, इनके जो गुठलियाँ हैं, इनको हम हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे। चलिए, जब तक इसको हाथ से तोड़ें, हम तब तक इधर पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये कप है, चाय का साधारण कप है, इसके हम 3 कप भर के पानी ले लेंगे। 1, 2, 3 इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से, जब तक पानी खौल नहीं जाता। तब तक हम इसकी गुठलियां भी इस तरह मिक्स कर लेंगे। पानी देखिए गर्म हो गया है, और इसमें से धुआं भी निकल रहा है, भाप भी निकल रही है। थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, फिर हम इसमें मिला देंगे। 1 मिनट के करीब हमने इसको छोड़ दिया था, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। कितना सुंदर कलर आ गया इसका, और हम इसको अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो जेली है, क्रिस्टल्स हैं इसमें, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है जेली, अब इसमें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं रहा। और हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। 45 मिनट में जेली बाहर ही सेट हो गई थी, और उसके बाद हमने इसको सर्व करने से पहले फ्रिज में रख दिया था। बच्चों ने थोड़ी खा ली है, और देखिए जेली एकदम अच्छे से जम गई है, कहीं से भी नहीं वो फैल रही है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे सतपुड़े के साथ। शायद आपने कभी पहले ऐसे नहीं खाई होगी। मेरे बच्चों की फरमाइश पे ही बनाया। पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा जो दूध में हमने बनाया था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब उसके ऊपर डाल देंगे हम जेली। कितनी
बढ़िया से देखिए सेट हो गई है, अच्छे से निकल रही है और सुंदर भी लग रही है। इस तरह जेली डालने के बाद हम उसके ऊपर डाल देंगे सब्जा, सब्जा भी हमने भिगो के रखा है 3-4 घंटे में। देखिए इस तरह सब्जा फैल जाता है और सब्जा पेट को बहुत ठंडा आता है। आपकी पेट की कोई भी प्रॉब्लम रहे आप सब्जा दीजिए, काफ़ी ठंडक पहुंचती है सब्जी से। इतना सुंदर लगने लगा ना, आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो कैसा लगा सतपुड़ा सर्व करने का ये तरीका? आशा है आपको ये सतपुड़ा खाने का तरीका पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी तरह की अलग अलग रेसिपी के लिए आप देखते रहिए स्नेहा की रसोई और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।